मॉर्निंग टू ऑल डियर चिल्ड्रंस। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 साइंस का, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में कुछ सेंटेंस दे रखे होते हैं, तो उन सेंटेंस में हमें ये बताना है कि वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारे पास में सेंटेंस नंबर 1 आ रहा है, ऑल रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। सारी की सारी जो रॉक्स होती है क्या वो मिनरल्स से बनी होती है? तो हमारे पास में वो सेंटेंस उसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू। उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर बी, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कैन ओनली बी फाउंड इन सॉलिड स्टेट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में हमने डिस्कस किया था जैसे एलपीजी है, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम है, ऐसे हमने जो हमारे पास में जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिन्हें मेटल जैसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो क्या वो सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? वो कैसे भी वो सॉलिड में मिल सकते हैं, लिक्विड में मिल सकते हैं और गैस स्टेट्स में भी मिल सकते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो बी है उसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो ये हमारे पास में जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ही नहीं मिल सकते हैं, वो सॉलिड लिक्विड और जो गैस स्टेट्स है उनमें ही मिलते हैं। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सी देखो, मार्बल इज ए मेटामॉर्फिक रॉक्स मेड फ्रॉम एन आइगोनिक रॉक्स। मार्बल होता है क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है? मेड फ्रॉम ऑन आइगोनिक रॉक्स। तो ये सेंटेंस हमारे क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मार्बल होता है क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है और वो क्या आइगोनिक रॉक्स से बनी होती है? तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर डी देखो, पैराफिन वैक्स इज ऑब्टेंड फ्रॉम पेट्रोलियम। तो हमारे पास में पैराफिन वैक्स होती है, ठीक है, तो वो पेट्रोलियम से प्राप्त की जाती है। हाँ, तो हम उससे ये हमारे पास में सेंटेंस क्या आ जाएगा? ये ट्रू हो जाएगी। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है, जैसे वो वैक्स वगैरह है और भी बहुत सारे जो इसमें लुब्रिकेंट वगैरह है, ये सारे किससे बने होते हैं? पेट्रोलियम से बने होते हैं। तो हमारे पास में पैराफिन वैक्स भी एक मटेरियल होता है, वो किससे बना होता है? पेट्रोलियम से। तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ई देखो, ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स डिपॉजिट एंड मेक्स लेयर टू फॉर्म सेडिमेंटरी रॉक्स। तो हमारे पास में हमने डिस्कस किया था सेडिमेंटरी रॉक्स में कि वो माउंटेन्स के ऊपर जो पीसेज होते हैं, ब्रोकन पीसेज होते हैं, तो वो आगे जाके पानी के बहाव के साथ कहीं ना कहीं जमा हो जाते हैं आगे जाके, तो उनसे जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स। तो ये हमारे पास में सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब हमारे पास में अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास में कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसका आंसर हमें वन वर्ड में देना है, जिसमें हमारे पास में क्वेश्चन नंबर ए, रॉक यूज इन किचन काउंटर में है, वो कौन सी रॉक यूज़ की जाती है? हमारे पास में जो ग्रेनाइट होती है उसकी जो रॉक्स ग्रेनाइट रॉक्स होती है उसका जो उसको हम किसके काम में लेते हैं? किचन काउंटर में उसको बनाने के लिए काम में लेते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखो, रॉक्स फॉर्म बाई टाइटलिंग पैक्ड सेल ऑफ सी क्रिएचर होती है, उनसे जो सेल होती है उनसे जो लेयर बनती है, रॉक्स बनती है, उसको हम कौन सी रॉक्स बनती है? वो लाइम स्टोन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मेटामॉर्फिक रॉक्स मेड फ्रॉम द सेडिमेंटरी रॉक्स लाइम स्टोन। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो किससे बनती होती है? सेडिमेंटरी रॉक्स और आइगोनी रॉक्स से बनती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? मार्बल। क्या जाएगा इसका एग्जाम्पल? मार्बल। अब हमारे पास में अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉक्स फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ क्ले एंड मड। ठीक है, चिकनी मिट्टी और कीचड़ से जो रॉक्स बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्लेट। क्या बोलते हैं? स्लेट। तो क्ले और मड है वो सॉलिड हो जाए, फॉर्म में जम जाते हैं, तो उनसे जो बनने वाली रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? स्लेट। क्या बोलते हैं? स्लेट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मेटल यूज टू मेक वायर। कौन सी ऐसी मेटल होती है जो हमारे पास में वायर बनाने के लिए काम में आती है? तो वो मेटल का नाम क्या है? कॉपर। क्या नाम है? कॉपर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सोइल अबोव बेडरॉक, जो बेडरॉक होती है, ठीक है, उसके ऊपर कौन सी सोइल की लेयर होती है? सब सोइल। जैसे हमने जो सोइल की जो 3 लेयर को हमने डिस्कस किया था, जिसमें सबसे ऊपर वाली टॉप सोइल, फिर सब सोइल, फिर बेडरॉक। तो हमारे पास में जो बेडरॉक से ऊपर वाली तो सब सोइल हो गई, मतलब ये सबसे बीच वाली लेयर हो गई सोइल की। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, रॉक विच लुक लाइक ए ब्लैक ग्लास। ठीक है, काले जो कांच की जैसी एक रॉक्स होती है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काले जो ग्लास होता है उससे ऐसे दिखाई देती है वो। हमारे पास में उस रॉक्स का नाम क्या है? ओबिस्टियन। क्या नाम है? ओबिस्टियन।